Assalamualaikum viewers, this is Zainab Ali from Zainab Cook House. तो आपने कुछ मांगा और हमने पूरा नहीं किया, so that is not possible. आप लोग ने सभी ने बोला था कि इसकी मेकिंग जो है दूधी की हलवे की, प्लीज़ अपलोड करो, तो ये रही उसकी मेकिंग. इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें Zainab Cook House को, और इसे केटर किया था राजधानी केटर्स ने. आप सभी ने बहुत सारी मेकिंग देखी है चैनल पे, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपको बहुत पसंद आती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस मेकिंग. ये है दूधी, तो दूधी को अच्छे से ग्रेट कर लो. अगर आपको घर पे 1 kg का दूधी बनाना है तो आपको 3 kg दूधी ग्रेट करना है, क्योंकि दूधी में काफ़ी पानी होता है और हलवे को वैसे भी बहुत सुखाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है उसका मॉइस्चर इवोपरेट होगा तो वो क्वांटिटी में कम होते जाएगा. ठीक है, ग्रेट करते ही पानी में डाल दें ताकि वो काली ना पड़ जाए. उसके बाद आपको उस पर दूध डाल देना है. ठीक है, मैं आपको 1 kg के हिसाब से मेकिंग का नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी है, आपका हलवा ख़राब हो सकता है थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो. हमेशा ट्राई टू यूज़ फुल फैट मिल्क. यहाँ पे तो इन्होंने गोवर्धन का यूज़ किया है, बट आप नॉर्मल सुपर डेयरी से लीजिए दूध और उसमें बनाइए. इसमें गया है शुगर और दूधी और दूध. ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसको पकाना शुरू कर दीजिए. देखिए, इसे पकाने में बहुत वक्त लगता है. मीठा जितना आप अच्छे से उसको कढ़ाएंगे उतना उसका टेस्ट होता है. मीठा अगर आपके पास टाइम है घर में तो ही हाथ में लेना चाहिए, वरना नहीं, क्योंकि उसको अगर आप नहीं भूनोगे तो वो प्रॉपर नहीं बनेगा. और दूधी का हलवा इज़ नेक्स्ट टू गाजर का हलवा, दोनों को ही बहुत पकाना पड़ता है. इन्होंने कलर डाला है फूड कलर, ग्रीन कलर का. जाहिर सी बात है केटरिंग स्टाइल मेकिंग है तो कलर तो जाना ही है, बट अगर आपको स्किप करना है तो स्किप कर लीजिए, या फिर अच्छे क्वालिटी का फूड कलर लीजिए. ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ गुड फूड कलर. जो बॉश का आता है वो बहुत अच्छा होता है फूड कलर में, जो रीज़नेबल भी है और हर ग्रॉसरी शॉप में आपको ईजिली अवेलेबल है. रमज़ान का जो भी शॉपिंग करना है क्रॉफर्ड मार्केट से करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगा सबसे रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ही वेराइटीज़ में. अब ये आया मावा, ये मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है. ओके, इसमें 2 तरीके के मावा होता है, एक होता है सादा और एक होता है मीठा. तो कोई भी आप यूज़ कर ले, घर पे बनाना है तो घर पे बनाए, और अगर बाज़ार से लाना है तो उसको चक कर ले, क्योंकि वो खट्टा नहीं होना चाहिए. इसमें दूध डाला है, अगर आप मावा डाल दोगे और अगर वो खट्टा है तो वो फट सकता है. ठीक है, या फिर अगर 2 मिनट वाला खोआ बनाना है तो वो बना ले. क्रीम और मिल्क पाउडर इक्वल क्वांटिटी में ले और माइक्रोवेव करे उसको 2-2 मिनट के सेकंड में, और हिलाते रहे तो बस बन जाएगा. ओके, सो ये है कॉर्नफ्लावर की स्लरी, जिससे ये थिक होगा. ठीक है, थिक, इस पर गाढ़ापन आएगा वो कॉर्नफ्लावर की स्लरी से आएगा. ये गया देसी घी. घी वगैरह पहले नहीं डालना है, पहले आपको इसका क्वान्टिटी कम करते जाना है, उसके बाद लास्ट में आपको जितना थिकनेस रहेगा उसके हिसाब से आपको डाल देना है घी. बस हो गई हमारी दूधी की हलवा रेडी. बट ये आपको जितना इजी दिख रहा है उतना इजी नहीं है. जब आप हाथ में लोगे इसे बनाओगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये कितना ट्रिकी है और कितना टाइम कंज्यूमिंग है. ओके, सो इसके अलावा अगर किसी को मीठा पसंद नहीं है, स्टार्टर पसंद है, तो बहुत सारे स्टार्टर शादियों वाले अपलोडेड है चैनल पर, आप उसे देखें. इसे गार्निश कर लीजिए अपने हिसाब से. Zainab Cook House को वापस सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो. मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ. अल्लाह हाफिज़.